सम्या की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी कढ़ी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाना भी आसान है, और आप इसे मसालेदार बनाइए तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी रेसिपी मिल सके। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मेथी कढ़ी। उसके लिए मैंने यहाँ प्याज लिया है, टमाटर, मेथी, हरा धनिया, दो सूखी मिर्च, लहसुन, और मसाले में मैंने यहाँ हींग लिया है, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक। छौंकने के लिए मैंने यहाँ सरसों तेल लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, दही और बेसन, पानी। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें मैंने यहाँ आधा बाउल बेसन डाला है, एक बाउल यहाँ दही, आप इसको बढ़ा सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा खट्टी चाहिए तो इसको आप ज़्यादा ले सकते हैं दही को। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालना है, ताकि अच्छे से बेसन, दही और सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। फिर से डालेंगे, देखिए मैंने पूरा डाल दिया है पानी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें फिर से डालना है। अब टेस्ट के अनुसार नमक, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी पहले से गर्म होने के लिए, यहाँ मैं 2 चम्मच सरसों तेल डाल रही हूँ, 1 स्पून में यहाँ जीरा, 2 से 3 लहसुन, 2 सूखी मिर्च तोड़ के मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ 1 टीस्पून हींग लिया है, हींग बहुत ज़रूरी है कढ़ी में। यहाँ बारीक काट लिया है मैंने प्याज, 1 प्याज, इसको 1-2 बार अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर 1 बाउल मैंने यहाँ मेथी लिए, हरी मेथी, आप कस्तूरी मेथी भी ले सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं हो तो। इसको अच्छे से मिक्स करना है, हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, ताकि हमारा मेथी सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई 1 टमाटर डालेंगे, फिर मसाले। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डालूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हमारे मसाले न जले। हम देखेंगे कि हमारा अगर मसाला चिपक रहा हो तो हमें 1-2 स्पून हमें पानी डालना है, ताकि हमारा मसाला चिपके नहीं नीचे और सॉफ्ट भी रहे। मेरी सारी चीज़ें अच्छे से भून गया, अब इसको दही और बेसन का घोल डालेंगे और इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, और हाई फ्लेम पे हमें रखना है कढ़ी को, जब तक 1 खोल ना आ जाए, नहीं तो हमारी कढ़ी फट जाएगी। जब हमारा कढ़ी खोलने लग जाएगा तो उसको मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और कढ़ी को अच्छे से पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और बीच बीच में आके हमें हिलाते रहना है, ताकि हमारा कढ़ी चिपके नहीं। देखिए कढ़ी का कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हमारा कढ़ी पूरी तरह से पक गया है, अब इसके अंदर धनिया पत्ता डालेंगे, जो मैंने पहले से अच्छे से धो के बारीक काट लिया था, आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं धनिया पत्ता को। कढ़ी हमारा बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है, अब इसको 1 बाउल में निकालेंगे और ठंडा होने पे इसे फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तक भी खा सकते हैं। आप इसे रोटी चावल के साथ खाइए और सभी को खिलाइए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी बी हेल्दी, बाय बाय।